मिनट बुक में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट इग्लोवर की नो मोर मिस्टर नाइस गाय में गोता लगा रहे हैं। अपने जीवन को बदलने और नाइस गाय सिंड्रोम से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक त्वरित पुस्तक सारांशों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अध्याय एक, जागृति। जॉन थॉम्पसन, एक 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच सर्वोत्कृष्ट अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा मदद के लिए मौजूद रहता था, शायद ही कभी मना करता था और हर कीमत पर संघर्ष से बचता था। फिर भी अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जॉन अक्सर खुद को अप्रसन्न, निराश और अधूरा महसूस करता था। एक शाम काम और घर पर दूसरों को समायोजित करने के एक और थकाऊ दिन के बाद जॉन ने खुद को अपने अपार्टमेंट में अकेला पाया, जवाबों के लिए इंटरनेट ब्राउज कर रहा था। वह एक पुस्तक की सिफारिश पर ठोकर खाई, रॉबर्ट इग्लोवर द्वारा नो मोर मिस्टर नाइस गाय। शीर्षक ने उसे आकर्षित किया। क्या यह पुस्तक उसके चल रहे संघर्षों की कुंजी हो सकती है? अध्याय दो, द नाइस गाय सिंड्रोम। जॉन ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और ग्लोवर के नाइस गाय सिंड्रोम के वर्णन से तुरंत प्रभावित हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपना जीवन इस गलत धारणा के आधार पर जी रहा था कि अच्छा व्यवहार करने, संघर्ष से बचने और हर किसी की जरूरतों को पूरा करने से उसे प्यार मिलेगा, स्वीकार किया जाएगा और वह सफल होगा। ग्लोवर की नाइस गाय सिंड्रोम की व्याख्या ने उसे प्रभावित किया। जॉन ने खुद को दूसरे पुरुषों की कहानियों में देखा जो बड़े होकर स्वीकृति की तलाश में अस्वीकृति से डरते हुए और अपनी खामियों को छिपाते हुए बड़े हुए थे। वह समझने लगा कि उसका व्यवहार बचपन के अनुभवों और सामाजिक कंडीशनिंग में निहित था। अध्याय तीन, मूल कारणों को पहचानना। पुस्तक के माध्यम से जॉन ने अपने अच्छे लड़के के व्यवहार के मूल कारणों की पहचान करना सीखा। उसने अपने पालन पोषण को एक ऐसे घर में याद किया जहां उसके पिता अक्सर अनुपस्थित रहते थे और उसकी मां भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर रहती थी। जॉन को एहसास हुआ कि उसने अपनी मां की स्वीकृति पाने और संघर्ष से बचने के लिए अच्छे लड़के की भूमिका अपनाई थी। ग्लोवर की अंतर्दृष्टि ने जॉन को यह देखने में मदद की कि उसका अच्छा लड़का व्यवहार बचपन के दौरान विकसित एक मुकाबला तंत्र था। यह समझ उसके बदलाव की यात्रा में पहला कदम था। अध्याय चार, मुक्त होना। अच्छे आदमी सिंड्रोम से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित जॉन ने ग्लोवर की सुझाई गई रणनीतियों के लिए प्रतिबद्ध किया। उन्होंने अपने गुप्त अनुबंधों की एक सूची बनाकर शुरुआत की, दूसरों के साथ उनके अघोषित समझौते जहां उन्हें अपनी अच्छाई के बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी। जॉन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके कितने रिश्ते इन गुप्त अनुबंधों पर आधारित थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके दयालुता के कार्य अक्सर छिपी हुई अपेक्षाओं और नाराजगी के साथ आते हैं जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। अध्याय पाँच, सीमाएं निर्धारित करना। जॉन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कदमों में से एक सीमाएं निर्धारित करना सीखना था। उन्होंने बिना दोषी महसूस किए नहीं कहने और अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करने का अभ्यास किया। पहले यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उन्हें दूसरों को निराश करने और संघर्ष का सामना करने की चिंता थी। छोटे से शुरू करने की ग्लोवर की सलाह ने मदद की। जॉन ने अपने सहयोगियों के साथ सीमाएं निर्धारित करके शुरुआत की, विनम्रतापूर्वक अतिरिक्त काम को अस्वीकार कर दिया जो उनकी जिम्मेदारियों से बाहर था। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने उनकी नई नई मुखरता का सम्मान किया। इस छोटी सी सफलता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। अध्याय छह, पुरुषत्व को अपनाना। जॉन के परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी पुरुषत्व को अपनाना था। ग्लोवर ने इस बात पर जोर दिया कि कई अच्छे लड़के अपने पुरुषत्व के गुणों को दबा देते हैं इस डर से कि वे आक्रामक या निर्दयी दिखाई देंगे। जॉन ने इस बात को समझा, उसे एहसास हुआ कि उसने अक्सर अपनी ताकत और इच्छाओं को कम करके आका था ताकि उसे मुखर या प्रभावशाली के रूप में न देखा जाए। पुस्तक के माध्यम से जॉन ने अपनी मर्दानगी की सराहना करना और उसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखा। उसने ऐसी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया जिससे उसे मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस हुआ
जैसे कि स्थानीय जिम में शामिल होना और मार्शल आर्ट सीखना। इन गतिविधियों ने उसे अपनी शारीरिकता और दृढ़ता के साथ फिर से जुड़ने में मदद की। अध्याय 7, प्रामाणिकता और अखंडता। ग्लोवर की प्रामाणिकता और अखंडता पर शिक्षाओं ने जॉन को प्रभावित किया। उसने समझा कि एक प्रामाणिक जीवन जीने का मतलब है दूसरों से लगातार अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय खुद के प्रति, अपने मूल्यों और अपनी इच्छाओं के प्रति सच्चा होना। जॉन ने अपनी भावनाओं और जरूरतों के बारे में ईमानदार होने का अभ्यास करना शुरू कर दिया, तब भी जब यह असहज था। उसने अपने दोस्तों, परिवार और रोमांटिक पार्टनर के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत की। इस प्रामाणिकता ने शुरू में कुछ अजीब और चुनौतीपूर्ण क्षणों को जन्म दिया, लेकिन समय के साथ इसने उसके रिश्तों को गहरा किया और राहत और स्वतंत्रता की भावना लाई। अध्याय 8, स्वस्थ संबंध बनाना। जैसे जैसे जॉन ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे स्वस्थ संतुलित संबंध बनाने के महत्व का एहसास हुआ। ग्लोवर ने ऐसे संबंध विकसित करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जहां दोनों भागीदारों की जरूरतों को स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। जॉन ने अपने रोमांटिक रिश्ते में इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में अपने साथी से खुलकर बात की और उसे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे एक ज्यादा संतोषजनक और संतुलित रिश्ता बना जहां दोनों भागीदारों को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें महत्व दिया जा रहा है। अध्याय 9, डर और चिंता पर काबू पाना। अपनी पूरी यात्रा के दौरान जॉन ने डर और चिंता के क्षणों का सामना किया। वह रिश्तों को खोने, अस्वीकृति का सामना करने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में चिंतित था। ग्लोवर की किताब ने इन डर से निपटने के लिए रणनीतियां प्रदान की। जॉन ने आत्मकरुणा का अभ्यास किया और खुद को याद दिलाया कि डर विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उसने जोखिम उठाना और अपने डर का सामना करना सीखा, यह जानते हुए कि आगे का हर कदम एक ज्यादा प्रामाणिक और संतुष्ट जीवन की ओर एक कदम है। अध्याय 10, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास। जॉन के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना था। उसने अपनी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत का बेहतर ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, ध्यान और चिकित्सा की तलाश करना शामिल था। ग्लोवर द्वारा आत्म देखभाल पर जोर दिए जाने से जॉन को यह समझने में मदद मिली कि खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं बल्कि संतुलित और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अधिक पुस्तकें पढ़कर, कार्यशालाओं में भाग लेकर और नए कौशल सीखकर अपने व्यक्तिगत विकास में भी निवेश किया। अध्याय 11, उद्देश्य और जुनून ढूंढना। जैसे जैसे जॉन बड़ा होता गया, उसने अपने जुनून और उद्देश्य की खोज शुरू कर दी। ग्लोवर की पुस्तक ने पुरुषों को ऐसी गतिविधियों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जॉन ने पेंटिंग के प्रति अपने प्यार से फिर से जुड़ाव किया, जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। उन्होंने हर हफ्ते पेंटिंग के लिए समय निकालना शुरू किया और आखिरकार अपने काम की एक छोटी प्रदर्शनी आयोजित की। इससे न केवल उन्हें खुशी मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान और उद्देश्य की भावना भी बढ़ी। अध्याय 12, परिवर्तन को बनाए रखना। साल बीत गए और जॉन का जीवन उन तरीकों से बदल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक सफल करियर बनाया, संतुष्टिदायक रिश्ते बनाए और अपने जुनून में खुशी और उद्देश्य पाया। नो मोर मिस्टर नाइस गाय के सिद्धांत उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गए थे। जॉन जानता था कि अपने परिवर्तन को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन्होंने सीखी हुई रणनीतियों का अभ्यास करना जारी रखा, जैसे कि सीमाएं निर्धारित करना, प्रामाणिक होना और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना। वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के समुदाय से भी जुड़े रहे जिन्होंने उनकी यात्रा का समर्थन किया। अध्याय 13, दूसरों की मदद करना। अपने खुद के बदलाव से प्रेरित होकर जॉन को नाइस गाय सिंड्रोम से जूझ रहे अन्य लोगों की मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उन्होंने पुरुषों के लिए एक सहायता समूह शुरू किया जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकते थे और एक दूसरे के विकास का समर्थन कर सकते थे। जॉन को दूसरों को उनकी चुनौतियों से उबरने और उनकी क्षमता हासिल करने में मदद करने में अपार संतुष्टि मिली।
उनका सहायता समूह बढ़ता गया और उन्होंने ग्लोवर की किताब के सिद्धांतों पर बातचीत और कार्यशालाएं भी देना शुरू कर दिया। अध्याय 14, प्रामाणिकता की विरासत। जब जॉन ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा तो वह सीखे गए सबक और अपने व्यक्तित्व के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसने महसूस किया कि उसका परिवर्तन सिर्फ नाइस गाय सिंड्रोम पर काबू पाने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रामाणिकता, अखंडता और पूर्णता का जीवन जीने के बारे में था। जॉन की यात्रा प्रामाणिकता और सशक्तिकरण की विरासत बन गई। अपनी कहानी साझा करके और दूसरों की मदद करके उन्होंने सकारात्मक बदलाव का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा किया। जॉन की कहानी आत्म जागरूकता, प्रामाणिकता और व्यक्तिगत विकास की शक्ति का एक प्रमाण है। रॉबर्ट इग्लोवर की नो मोर की शिक्षाओं के माध्यम से और रॉबर्ट इग्लोवर द्वारा लिखित नो मोर मिस्टर नाइस गाय का समापन हो गया। अगर आप नाइस गाय सिंड्रोम को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मिनट बुक को सब्सक्राइब करें और अधिक त्वरित और प्रभावशाली पुस्तक अंतर्दृष्टि के लिए घंटी आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।